गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो? दुबई में आज लास्ट डे है, लास्ट डे आज चेकआउट है हमारा और हम चले जाएंगे इंडिया वापस। तो पापा हेलो कर हेलो। दो। तो इंडिया वापस चले जाएंगे बढ़िया और नॉडी को भी बहुत मिस कर रही हूँ मैं। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करके फिर देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं या कहाँ कहाँ करते हैं। 2 बजे हमारा यहाँ से चेकआउट है और हमने जाना है। तो मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट के टेबल पे। उतार देते हैं। तो मैं आ गई थी अपने रूम में और एक कमेंट आया था मुझे, उसका मैं रिप्लाई दे देती हूँ उसका। कि कमेंट आया कि मैम हम आपको कमेंट करते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते। मैंने आपको पहले भी बोला है कमेंट्स की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी और तब भी मैं रिप्लाई दूंगी। अभी यार मैं घूमने आई हूँ, मैं मतलब घूम रही हूँ अपना, तो कई बार नहीं होता रिप्लाई, कई बार नहीं कर सकते हम रिप्लाई। तो इट्स बेटर कि मैं एक वीडियो बनाऊं और तब मैं आपको सारे रिप्लाईज दूंगी। आई फॉर श्योर आई विल गिव यू ऑल द रिप्लाईज। एंड नेक्स्ट थिंग, मेरे 4 वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है। आई डोंट नो व्हाई, पर मैंने वीडियो, जो वीडियो एडिटिंग ऐप होता है, वहाँ से म्यूज़िक लिया था। मैंने कोई भी ऐसा म्यूज़िक नहीं डाला जो फिल्म म्यूज़िक हो या एल्बम से कोई म्यूज़िक हो, मैंने कोई ऐसा म्यूज़िक नहीं डाला था। मैंने पूरी वीडियो वीडियो एडिटिंग ऐप से, जो वहाँ पर म्यूज़िक होता है, वहाँ से मैंने डाला था। एंड आई डोंट नो उन्होंने कॉपीराइट क्लेम क्यों दिया। ठीक है, एक ये बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई कॉपीराइट क्लेम का। तीसरी बात कि यार यार इतना मेहनत कर रही हूँ मैं, इतनी एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़, बहुत बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओ भीख मंगी सुना मम्मी ने क्या कहा? प्लीज़ मेहनत मेहनत मैं करूँ,
व्लॉग्स मैं डालूं। आप एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते, दबा दो ना प्लीज मेरे लिए। तो यस, कॉपीराइट क्लेम का एक बार आप लोगों से मैं बोल पूछ रही हूँ कि यार देखो, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, एक सेकंड में आप कॉपीराइट क्लेम कर दो तो दिस इज़ नॉट एट ऑल डन। बिकॉज मैं वीडियो एडिटिंग वाले म्यूज़िक से ही वीडियो लेती हूँ, मैं कोई भी एल्बम या उसका वीडियो नहीं डालती हूँ। सो प्लीज़ सी टू इट। एंड वन मोर थिंग, फॉर श्योर आई विल रिप्लाई फॉर द कमेंट्स। कमेंट्स की मैं अलग से वीडियो डालूंगी, तब मैं आपको बता दूंगी एंड तब मैं आपको अच्छे से रिप्लाई दूंगी, ठीक है। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ी फोटोग्राफ्स क्लिक कराते हैं और चलते हैं फिर। तो हम अब इस रूम से निकल गए हैं, पीछे लगेज पड़ा हुआ है, चेकआउट कर रहे हैं, तो चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, इंडिया। तो मॉम कीज उठा लो, चलते हैं हम इंडिया वापस। नॉडी से मिलेंगे, नॉडी से मिलेंगे। तो हम आ गए अब चेक इन, लगेज चेक इन कर लिया, उसके बाद हम गेट नंबर पे जा रहे हैं। बिकॉज ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप दुबई आ रहे हो या कोई भी इंटरनेशनली जा रहे हो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ सिक्योरिटी चेक के बाद। ये मैं कह रही थी कि जो भी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त, तो अपने फ़ोन में ना एयर सुविधा ट्रैवल ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें अपनी सारी फ्लाइट वगैरह की इंफॉर्मेशन डालो। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। कोई भी ट्रैवल कर रहा है तो ये डाउनलोड करके जाओ और इसका प्रिंट आउट निकाल के जाओ, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लाइट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन देंगे, अभी गेट की तरफ जा रहे हैं, गेट में बैठते हैं, मतलब वहाँ गेट की तरफ जाके बैठते हैं, तो मिलती हूँ आप। तो हम लोग प्लेन में आ गए थे, बैठ गए हैं और थोड़ा वेदर कंडीशन ख़राब है यहाँ के, तो प्लेन ऐसे हो रहा है, डर लग रहा है थोड़ा सा। और डिनर हमने कर लिया, कप्पा नूडल्स, एप्पल जूस है। नो, गंदी बातें नहीं, व्लॉगिंग में गंदी बातें नहीं करते, एप्पल जूस है। एंड बड़ा मज़ा आ रहा है फ्लाइट में, और फ्लाइट बहुत हिलरी है यार, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। कप्पड़ नूडल खा लिया मैंने, बिरयानी खा ली, सब ये लो खा लिया मैंने। और अब जाके थोड़ा सोएंगे, बिकॉज नींद नहीं पूरी हुई है, या मैं सोऊंगी नहीं सोऊंगी मुझे नहीं पता। मुझे वैसे प्लेन फ्लाइट में नींद नहीं आती है, तो मैं शायद ना सोऊं, शायद सो जाऊं। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
हम घर पे आ चुके हैं और एयरपोर्ट पे व्लॉगिंग इसलिए नहीं हो पाई, बहुत हौच पौच होता है, ये लगेज कलेक्ट करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, चेक इन काउंटर वगैरह, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम अब घर आके व्लॉगिंग की है और बहुत मज़ा आया, दुबई घूम के बहुत अच्छा लगा। और आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगे दुबई के व्लॉग्स, और हर एपिसोड के एक दो पार्ट्स हैं वो ज़रूर देखना। एंड स्पेशली गाला नाइट का जो व्लॉग था वो बहुत ही अच्छा व्लॉग था, वो ज़रूर देखना। एंड हर एपिसोड के दो दो पार्ट्स हैं वो ज़रूर देखना। और आई मस्ट से दिस was the best trip ever had in my life. तो बहुत मज़ा आया ट्रिप करके। तो आप लोग भी बताना आपको कैसी लगी सीरीज़। और मिलती हूँ ऐसी ही किसी अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ और अच्छी व्लॉगिंग आगे हो। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करते रहना, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा होगा। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको एयरपोर्ट में बता रही थी कि आपको कुछ मैंने बताया था, एयर क्या था मैं खुद भूल गई हूँ, एयर, हाँ एयर सुविधा, सॉरी एयर सुविधा जो है वो डाउनलोड करके जाना। और आपको इंटरनेशनली ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, बिकॉज हमें किसी ने बताया नहीं था, तो आज इतना ज़्यादा उस वजह से मेस्ड अप हो गया और मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई इतनी ज़्यादा। तो एयर सुविधा ऐप डाउनलोड करके, अगर आप इंटरनेशनल सुविधा है, अगर आप इंटरनेशनली कहीं भी जा रहे हो तो ये ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और इंडिया में इतना नहीं होता, बट व्हेन यू गो टू इंटरनेशनली तो वहाँ आपसे पूछते हैं एयर सेवा या एयर सुविधा के प्लान के बारे में।
और आपको एक पूरा सर्टिफिकेट बना के देते हैं वो, तो वो ज़रूर ले जाना, बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी जो अभी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जो कि आपको पता है प्रीत कौर सहानी। टिल देन टेक केयर, बाय।